हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 10th का सेकेंड पार्ट। और जिस सब्जेक्ट पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपका जो है मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 9 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 10th प्रैक्टिस टेस्ट का हम लोग फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो तक सारे जो है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारी जो है आप वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि जो है आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके, आप भी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर लें ताकि जो है CUET का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जो CUET में आपका जो है सेक्शन 3rd आएगा, ठीक है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके और आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 10th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको जो है दो पार्ट में मिलता है। फर्स्ट पार्ट में 12-13 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12-13 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के आपके दोनों पार्टों को 25-26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अगर जो है आप सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं सारी वीडियोज को, तो आपकी भी एक बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाती है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि हर एक टॉपिक आप अलग अलग पढ़ें, तो क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं, कैसे जो है हम आसानी से शॉर्टकट तरीके से उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 10th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और प्रैक्टिस टेस्ट 10th का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और 10th प्रैक्टिस टेस्ट का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल कोन्स ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 1 मिलीमीटर। ओके, द नंबर ऑफ सच कोन्स फॉर्म्ड इज, ठीक है, एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और छोटे शंकुओं में क्या किया जाता है, ढाला जाता है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी है, देखिए जरा। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक आपका जो है मेटेलिक सिलेंडर कुछ ऐसा है, डायग्राम से जरा इसको समझ लेते हैं। और इसको जो है पिघला करके और इससे क्या बनाए जाते हैं, जो है कोन्स बनाए जाते हैं, अर्थात शंकु बनाए जाते हैं। देखो ऐसा कुछ सिलेंडर है आपके पास जिसे पिघलाया जाता है, ये हो गया सिलेंडर, इसे पिघलाया गया, ठीक है ना। अब देखो सिलेंडर की जो है रेडियस, ये रेडियस यहाँ से ये रेडियस दी गई है, इसको आपने मान लिया कैपिटल आर, इसको आपने मान लिया कैपिटल आर। रेडियस कितनी दी गई है आपकी, रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो ये कैपिटल आर आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये हाइट है, जो ये आपकी हाइट है, ये हाइट आपको दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाया जाता है और पिघला करके जो है इससे क्या बनाए जाते हैं, कोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कोन्स कुछ ऐसे आपको दिखेंगे शंकु के आकार के, ये देखो कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे जो है आपके छोटे छोटे जो है कोन्स इससे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा कि जो ये कोन्स बनाया जाता है इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है अर्थात ये आपकी, इसको आप क्या मान लो, इसको आप स्मॉल आर मान लो, ठीक है ना। ये जो रेडियस है ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, नहीं जो रेडियस है 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये जो हाइट है इसकी, ये जो हाइट है ये है आपकी 1 सेंटीमीटर,
हाइट है इसकी 1 सेंटीमीटर, तो एक काम करो आप इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर के। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो आर बराबर हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो अगर हम बात करें तो भाई इसका जो वैल्यूम है, ठीक है, इसका जो आयतन है उसको पिघलाकर किस में बदल दिया गया, जो है छोटे छोटे कोन्स में बदल दिया गया। तो यहां पे अगर हम बात करें वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा वैल्यूम ऑफ कोन्स, वैल्यूम, ठीक है ना, वैल्यूम ऑफ कोन्स ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। अब देखो तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या माना आपने यहां पे, कैपिटल माना है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पे जो आपने सिलेंडर है उसमें आपने रेडियस कैपिटल आर मानी है, कोन की रेडियस आपने स्मॉल आर मानी है। अब देखो जरा इसको जरा सॉल्व कर लीजिए यहां पे, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको आर की वैल्यू पता कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा जो है आपका आर स्क्वायर एच अपॉन 3 आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ कोन्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू पता कितनी, 0.1, आप पता है 0.1 × 0.1 × हो जाएगा आपकी एच की वैल्यू पता है 1, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 3 × आपका जो है कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अच्छा ये हमने गड़बड़ कर दिया, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू हो जाएगा ये जो है इसके अपॉन में जाएगा ना, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती हो गई है तो उसको हम लोग सुधार लेते हैं ताकि जो है हमारा आंसर लाने में कोई दिक्कत ना हो हमें। यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके नीचे में जाएगी तो जाएगा 3 आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स इधर है ना, तो नंबर ऑफ कोन्स बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वैल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 × r² की वैल्यू पता है कितनी है, r की वैल्यू 3 है, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, h की वैल्यू आपकी 1 है अपॉन स्मॉल r की वैल्यू आपकी 0.1 है, तो ये 0.1 × 0.1 × 1। अब देखो यहाँ पे जब आप डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद जितनी जितने आपके नंबर हैं उसके अपॉन में 1 लगा के उतने जीरो उसके पीछे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 × 3 = 9, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 9 × 3 = कितना हो जाएगा आपका, 9 × 3 = हो जाएगा आपका जो है 27, क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, ठीक है, और एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये हाइट आपकी कितनी है 5, सॉरी यहाँ पे हाइट जो है इसकी कितनी है 5, हमने यहाँ पे 1 रख दिया जबकि जो सिलेंडर थे उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो × 5 तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, ठीक है ना, और 9 × 3 = 27, 27 × 5 और इंटू हो जाएगा आपका 10 × 10, ठीक है, चूंकि 1/10 होगा, 1/10 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा,
ये कितना हो जाएगा आपका, तो 5 × 7 = 35 की 5 हासिल आया कितना 3, 5 × 2 = 10 = 13, 13,500 आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉन्स कितने हो जाएंगे, 13,500, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितने छोटे छोटे आपके कॉन्स बनेंगे जो है 13,500। क्लियर, समझ में आया। इस प्रकार से आपके पास एक सिलेंडर था जिसकी हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर दी गई, उससे काट करके जो है आपने छोटे छोटे कॉन्स बनाए जिसमें उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर और रेडियस थी 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के, तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ कॉन्स इंटू नंबर ऑफ कॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वैल्यूम ऑफ कॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल्स टू यहाँ पे जो आपका रेडियस दिया गया सिलेंडर की वो 3 दी गई है, ठीक है ना, ये 3 आपका जो है ये 1/3 वाला है और ये रेडियस हो गई, तो आर स्क्वायर 3 × 3, हाइट यहाँ पे 5 दी गई तो 5 हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें तो इसकी रेडियस 0.1 है और हाइट आपकी 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13,500। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। देखिए एक बात जरा समझिए, अगर ट्रेन जो है, अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, ट्रेन किसी ट्री को क्रॉस करती है, ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, तो वह अपने जितनी भाई उस ट्रेन की लंबाई है अर्थात वह अपनी दूरी के बराबर डिस्टेंस को कवर करती है, क्योंकि उस मैन की, उस ट्री की, उस पोल की तो कोई डिस्टेंस है नहीं। तो जब आप, जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति या किसी जो है पेड़ या किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी खंभे को क्रॉस करती है, तो वो ट्रेन जो है जो डिस्टेंस तय करती है, जो दूरी तय करती है, वह अपने लंबाई के बराबर तय करती है, ठीक है ना। लेकिन जब जो है ट्रेन किसी जो है ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो जो ट्रेन है, ट्रेन खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की भी तो एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, ब्रिज की भी तो एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, एक टनल की भी तो डिस्टेंस होगी। तो जब इनमें से किसी को क्रॉस करती है तो उसमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और प्लस उस टनल या ब्रिज या जो है आपके प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि 100 मीटर जो है लंबा आपका प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन की स्पीड दी गई है आपको वो दी गई 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया कि 60 सेकंड में उसको पार कर जाती है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेट द लेंथ लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑफ द ट्रेन इज ए मीटर। क्या मान लिया मैंने, ए मीटर, ठीक है। अब देखो जब यह प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस जो है ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो भाई देखो स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो s बराबर होता है आपका d/t, s मतलब स्पीड, d मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, तो आपने कहा डिस्टेंस कवर करनी है उसको 100 + a मीटर उसको डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम वह जो है ले रही है 60 सेकेंड, टाइम ले रही है 60 सेकेंड, ठीक है। अब जो है जो आपकी स्पीड दी गई है वो दी गई है किलोमीटर पर आवर में, ये दी गई 45
किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 = 45, 9 2 = 18, तो यह जाएगा आपका 25/2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आपने कहा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 100 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 × 25/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 = 6, तो 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 + a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 750। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 750 - 100, 750 - 100। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 650। अर्थात जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी जो है 650 मीटर। अब ट्रेन जब उस जो है पोल को क्रॉस करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी को जो है तय करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, एन इलेक्ट्रिक पोल, तो यहाँ पे जो है कितना समय लग जाएगा उसको। तो यहाँ पे जो है आपने कहा कि डिस्टेंस कितनी तय करनी है उसको, 650 मीटर की। उसकी स्पीड कितनी है, तो देखो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, तो स्पीड है आपकी 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा अपॉन 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 650 × 2 अपॉन हो जाएगा आपका 25। तो क्या ये 25 से कटेगा क्या, 5 से ज़रा कट कर दो। अगर 5 से इसको हम कट करें, 25 से कट करते हैं, देखो 25 से अगर हम कट करते हैं तो 25 2 = 50 हो जाएगा, 25 3 = 75 ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 2 = 50 कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 25 6 हो जाएगा आपका जो है 150, ठीक है। तो 26 टाइम जाएगा, और 26 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड में जो है वह ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर समझ में आया, ठीक है, कि भाई जब ट्रेन किसी जो है ट्री को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है, या किसी मैन को क्रॉस करती है, तो वो हमेशा जो डिस्टेंस तय करती है वह जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस वह जो है तय करेगी। लेकिन जब किसी टनल को क्रॉस करती है, जब ब्रिज को क्रॉस करती है, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो भाई वहाँ पर आपके ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों को मिला करके जो है वो डिस्टेंस को तय करेगी। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। 52 सेकंड में जो है वह पोल को क्रॉस कर जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 16th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपीज अमाउंट्स टू 1632 रुपीज इन 4 ईयर्स एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। If the rate of interest is increased by 1%, it would amount to how much? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 1200 रुपये की राशि 1632 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT upon 100 होता है, जहां P क्या है आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है आपका टाइम। अब यहां पर देखो, अगर हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 1200 रुपीज, ठीक है। अब देखो जो अमाउंट है वो 4 वर्षों में कितना हो गया, 1632 रुपीज,
तो भाई जो अमाउंट आता है उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 432। कितना हो जाएगा 432। अब देखो यहाँ पर जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम आपको पता है कितना है, 4 ईयर का टाइम कितना है आपका, 4 ईयर का। तो आपने कहा यहाँ पे R बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 432 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा P इंटू T। तो P कितना है आपका 1200, T कितना है आपका 4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और 12 से इसको कैंसिल कर दो तो 12 3 जा आपका हो जाएगा 36 और 12 6 जा हो जाएगा आपका 72, 4 9 जा हो जाएगा आपका जो है 36, तो ये आ जाएगा आपका 9, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 9%। क्लियर, इतनी बात मेरी समझ में आई। तो ये आपकी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो कह रहा है कि यदि इसको 1% इसको बढ़ा दिया जाए तो न्यू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, न्यू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 9+1, ये हो जाएगा आपका 10%, ये हो जाएगा आपका 10%। प्रिंसिपल वही है आपका, प्रिंसिपल वही है आपका 1200, और जो है आपका जो है टाइम कितना है आपका 4 ईयर। तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पर जो है SI कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो SI बराबर हो जाएगा आपका PRT अर्थात 1200 इंटू आपका जो है R है 10 इंटू 4 अपॉन आपका हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 480 रुपीज़। तो अगर हम बात करें अमाउंट की तो अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका, अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस SI, SI है आपका 480 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 1680 रुपीज़, अर्थात 1680 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना भाई। एक्चुअल जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसके हिसाब से जो आपका अमाउंट हुआ वो आपका 1632 रुपीज़ हुआ। अगर जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ा दिया जाए अर्थात 9 से 10 कर दिया जाए तो भाई आपका जो अब अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1680 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो आपका अमाउंट है वो आपका 1680 रुपीज़ आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आपका दिया है 525 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आपका दिया है 50, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे मैंने इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात जेड स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2xy प्लस 2bc अर्थात 2yz प्लस 2 आपका zx, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy प्लस yz प्लस आपका zx। अब देखो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पता कितनी है, 525 है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 525 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको 525 दी गई है प्लस इसकी वैल्यू आपको दी गई है 50, तो 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 525 प्लस आपका 100
तो ये हो जाएगा आपका 625। अब देखो जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का, तो ये रूट में चला जाएगा, और 625 किसका रूट होता है 25 का, तो प्लस माइनस 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा था ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का, वो आ जाएगा आपका प्लस माइनस 25। ठीक है, क्योंकि जब आप x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। ठीक है, और जो 625 होता है वो 25 का रूट होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो है कि इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 8/50 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 1 cos θ / 1 cos θ वेर थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/5 होगा कि 2/5 होगा कि 3/5 होगा कि 4/5 होगा। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है जो है कि cot थीटा इक्वल्स टू कितना दिया गया है आपका, cot थीटा इक्वल्स टू दिया गया है 8/50 और थीटा यहां पर क्या है आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो अगर हम यहां पर इस प्रकार से एक राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक जो है ट्रेंगल बना लेते हैं, और ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है थीटा है। ठीक है ना, और यहां पर जो है अगर बात करें तो देखो cot थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो cot थीटा आपका tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो पी, ठीक है ना, PPB अपॉन जो है आपका क्या होता है HH HHB। ठीक है, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन जो है, नहीं यहां पे हो जाएगा आपका PBP। ठीक है, बी का मतलब हो गया बेस, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखो तो आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात अगर इसको आप ए मान लें, इसको आप बी मान लें, इसको आप सी मान लें, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका BC/AB हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो जो आपका बेस है वो कितना है, यहां पे 8 हो जाएगा, और जो आपका ये परपेंडिकुलर कितना आपका 15 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दें, यहां पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दें, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का आपका होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का आपका होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर AB की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 8 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा आपका 64, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना, ये हो जाएगा आपका 289, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ पे जो आपकी इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना, या 17 मीटर जो भी आपका वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में दिया गया होगा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो
आपको जो है परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, तो अब यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस अर्थात बीसी अपॉन, ठीक है ना, एसी। तो बीसी कितना है आपका, बीसी है 8 और एसी है आपका 17। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 8 अपॉन 17। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहां पर जो है इसकी वैल्यू को रख दो, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 8 अपॉन 17 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 17 हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉस थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 17 है, तो 1 माइनस 8 अपॉन 17, 1 प्लस 8 अपॉन 17, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 17 माइनस 8 अपॉन 17 प्लस 8, 17 से 17 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऊपर 9, नीचे हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो भाई 9 होता है 3 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का, 3 अपॉन 5 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 बाई 5 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया भाई, आपको कॉट थीटा दिया गया था, तो कॉट थीटा जो है टेन थीटा का जो है अपोजिट होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, ठीक है ना, और एच का मतलब हाइपोटेनस, क्लियर है। अगर आप ऐसे हिंदी में याद रख सकते हैं तो लाल बटे कक्का होता है ना, ठीक है, एल ए एल अपॉन के ए, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। तो लाल बटे कक्का से भी आप याद रख सकते हैं एल ए एल अपॉन के ए, ठीक है। तो वहां पे के का मतलब क्या है आपका, कर्ण, और एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, या फिर आप पी बी पी अपॉन एच एच बी से भी याद रख सकते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 3 अपॉन 5 आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, व्हाट इज द मेजर ऑफ कोण ए बी सी। तो ए बी सी की जो है आपसे माप पूछ रहा है कि ए बी सी की माप क्या होगी, जिसमें ओ क्या है आपका सेंटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ओ ए की, ओ ए की जो माप दी गई कितनी दी गई है आपकी, ओ ए की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, रेडियस है, ओ ए और ओ सी दोनों क्या है आपकी, रेडियस हैं। तो यहाँ पर देखो ओ ए बराबर ओ सी के तो होगा ना, ओ ए बराबर ओ सी के होगा, ओ ए की जो है लंबाई कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस है भाई, दोनों बराबर होंगी, ठीक है ना, ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो ओ ए बराबर ओ सी के हो जाएगा। ओ ए की जो है दूरी कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, तो ओ सी की वैल्यू, ओ सी की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो आपको यहाँ पे ए सी की दूरी भी कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिया गया है ए सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ए सी, और इन तीनों की जो आपकी डिस्टेंस है वो सेम है 3 सेंटीमीटर। तो अब ये जब तीनों आपकी साइड से इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रेंगल बन गया, ध्यान करिए थोड़ा सा, तीनों साइडें जब बराबर हैं तो ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल जो आपका होता है
उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और तीनों आपके एंगल इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो आपका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं तो ये तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होगा और ये भी पूरा एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। OM जो है वो आपका AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये AC को बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ये भी बराबर और ये भी बराबर, ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल AOC को लेते हैं, ठीक है ना, AOC को लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे AOC में जो है भाई यहाँ पे आपका AO और C इन तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है अर्थात जो इनकी माप है वो 60-60 डिग्री होगी। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा जो है कोण AOC इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, कोण आपका CAO भी 60 डिग्री, कोण OCA भी आपका 60 डिग्री। अब देखिए आपको ये चीज पता है जो आपका सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस पे जो आपका एंगल बनता है वो आपका सेंटर के एंगल का हाफ होता है, ठीक है ना, जो आपका सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो आपका एंगल बनता है वो आपके सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो जो कोण आपका एबीसी है वो आपका हाफ हो जाएगा कोण एओसी का, तो AOC की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 60, तो 1/2 × 60 हो जाएगा, तो कोण ABC आपका आ जाएगा जो है 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ABC की माप क्या होगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कोण ABC है उसकी जो मेजरमेंट है वो आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे, ठीक है, जो आपका जो है सर्कमफ्रेंस पे जो ट्रायंगल एंगल बनता है वो आपका सेंटर के एंगल का क्या होता है, आपका हाफ होता है। तो अगर इसकी वैल्यू आपने निकाल ली भाई, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, कैसे भाई, तीनों साइडें बराबर हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों आपके एंगल बराबर होते हैं, तो भाई जो आपका जो है ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग आपका 180 होता है, जब तीनों एंगल बराबर हैं तो 60-60 डिग्री के तीनों एंगल होंगे, क्लियर है। तो आपको यहाँ से कोण एबीसी की कितनी मिल गई, मेजरमेंट मिल गई 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस 12% पर एनम, ठीक है, इफ इट्स पॉपुलेशन वॉज 6250 एट द एंड ऑफ 214, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 216। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12% बढ़ जाती है, यदि 2014 के अंत में इसकी जनसंख्या 6250 थी तो 2016 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखो भाई यहाँ पे जो है जनसंख्या में क्या हो रही है, जनसंख्या हर साल जो है 12% इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ होती है 100%, अब इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका जो है, बात अगर इंक्रीज की करें, ठीक है, तो कितनी इंक्रीज हो रही है, तो आपने कहा ये इंक्रीज हो रही है जो है आपकी 12%, तो 100+12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 112%, ठीक है। अब देखो 2014 के लास्ट में दिया गया था, बढ़ने के बाद दिया गया है, 2014 के लास्ट में जनसंख्या हो गई 6250, ठीक है, अर्थात ये जो है लास्ट में बढ़ने के बाद का डेटा दिया गया है। तो अब 2015 में 112% बढ़ेगी और 216 में जो है 112% बढ़ेगी। तो अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ, अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन
पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 216, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है अभी पॉपुलेशन कितनी है 6250 है, ये आपकी 112% बढ़ जाएगी तो अपॉन 100, और फिर एक बार ये 112% और बढ़ेगी तो अपॉन 100, ठीक है भाई। 12% बढ़ रही है, अगर घट रही होती तो 100 माइनस कर देते, बढ़ रही है तो 100 प्लस कर दीजिए। तो ए पहले ये 2015 में 112% बढ़ेगी, परसेंटेज मतलब अपॉन में 100, फिर 216 में भी जो है 2016 में भी जो है ये आपकी 12% बढ़ेगी, तो हो जाएगा आपका 112/100। अब जरा इसको सॉल्व कर लो देखो, तो अगर हम इसको 25 से कट दें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 625, ये जीरो आ जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करें 5 50 25 और 5 2 10, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 5 10 2 6 12 कितना हो जाएगा, अच्छा 4 से भी इसको भी कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 2 8 4 8 32, तो ये बचेगा आपका जो है 5 × 28 × 56। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 28 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 56 में 28 का जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 26 जा 12 1 होल्ड हुआ, 25 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 86 जा आपका 48 4 आपका होल्ड हुआ, 85 जा 40 और 4 हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा आपका 8 6 5 and 1, 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40 4 आपका होल्ड हुआ, 5 6 जा 30 और 4 हो जाएगा 34, 3 होल्ड हुआ, 5 5 जा 25 और 3 हो जाएगा 28, 2 होल्ड हुआ, 5 1 जा 5 और 2 हो जाएगा 7, तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 4 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 8 4 0, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि 216 में जो है पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, जो है 12% हर वर्ष बढ़ने के बाद 7840, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, नहीं ए नहीं होगा, आपका जो है डी आपका सही आंसर होगा, डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7840 हो जाएगी जो है अब पॉपुलेशन 2016 के लास्ट में। क्लियर है, समझ में आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12% निकाल लीजिए फिर ऐड करिए, फिर उसका 12% निकालिए फिर उसको ऐड करिए, तो ऐसे करने से अच्छा है कि आप इस प्रकार से करिए भाई, हर वर्ष 12% बढ़ जा रही है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100 + 12 तो 112% उसका निकाल लीजिए, ठीक है, तो 2 वर्ष बढ़ रही है तो 2 वर्ष का निकाल लीजिए, 3 वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुनीता एंड सुजाता इज 16 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सुनीता एंड सुजाता वॉज 11:7, वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता। सुनीता और सुजाता की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष पहले सुनीता और सुजाता का क्रमशः अनुपात 11:7 था, सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको करने में मुश्किल से 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, अब जो ये रेशियो दिया गया है 4 ईयर एगो का रेशियो दिया गया है, ये जो रेशियो है ना ये आपका 4 ईयर्स एगो का दिया गया है, ठीक है ना, 4 ईयर्स एगो का रेशियो है, जो रेशियो है आपका किसका, सुनीता और सुजाता, सुनीता और सुजाता का जो एज का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपका 4:7, कितना दिया गया है ये, नहीं सॉरी 11:7 आपका दिया गया है 7। अच्छा इन दोनों के बीच की जो एज का डिफरेंस दिया गया है वो 16 ईयर दिया गया है, तो अगर मैं रेशियो की डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं रेशियो की डिफरेंस की बात करूं तो आपने कहा 11-7 रेशियो का डिफरेंस है 4, रेशियो का डिफरेंस कितना है 4, एज का डिफरेंस कितना है 16, तो यहां पर हो जाएगा आपका
फोर इक्वल्स टू आपका 16 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 के। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई भाई? रेशियो दिया गया आपका 11:7 दिया गया है, और ये रेशियो 4 ईयर्स एगो का दिया गया है, तो रेशियो का डिफरेंस है 4, और जो एज का डिफरेंस दिया गया है वो आपका 16 दिया गया है, तो 4 इक्वल्स टू 16 के, तो 1 इक्वल्स टू आपका 4 के। अब 4 का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 44, और इसकी एज हो जाएगी आपकी 28। लेकिन ये जो एज है वो 4 ईयर एगो एज है, और आपको अगर प्रेजेंट एज बतानी है तो आपको इस एज में 4 ईयर और भी ऐड करना होगा। क्लियर है? समझ में मेरी बात आ रही है? भाई अगर आज आपकी एज 20 ईयर है तो 4 ईयर एगो आपकी एज क्या थी 16, आफ्टर 4 ईयर क्या होगी 24। तो जब हमें जो है एगो पूछा जाता है उसमें क्या करना है माइनस, और जब आफ्टर पूछा जाता है तो क्या करना है प्लस। तो यहाँ पर जब ये रेशियो आपको 4 ईयर एगो का दिया गया है तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे प्लस, और अगर यही रेशियो आफ्टर 4 ईयर का दिया जाता तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करते माइनस। क्लियर है? तो अब देखो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 प्लस 4 जाएगा 48 ईयर। कितना हो जाएगा 48 ईयर। अगर प्रेजेंट एज आप जो है सुजाता की बात करते तो ये हो जाता आपका 32 ईयर। किसका पूछ रहा है, सुनीता का पूछ रहा है, तो 48 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज आप सुनीता की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 32 ईयर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 22nd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रक मेड अ ट्रिप ऑफ 20 किलोमीटर कवरिंग द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट द रेट 50 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड 100 किलोमीटर एट द रेट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ट्रक इज, एक ट्रक 200 किलोमीटर की यात्रा करता है, पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरे 100 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ट्रक की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है? तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? तो अब देखो जो है यहाँ पे आपको दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 200 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है 200 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो भाई उसने उस 200 किलोमीटर को टुकड़ों में जो है तय किया, पहले 100 किलोमीटर को उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 100 किलोमीटर को उसने 40 किलोमीटर पर आवर की गति से उसने तय किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम टाइम निकालें तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं बात करूं कि टाइम टेकन इन फर्स्ट 100 किलोमीटर, तो आपने कहा कि जो फर्स्ट 100 किलोमीटर उसने तय किया उसकी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 100/50, तो ये हो जाएगा आपका 2R, ठीक है ना? कितने घंटे उसने जो है वहाँ पे लिए, उस 100 किलोमीटर को तय करने में 2 घंटे ले लिए। अब जरा बात कर लें यहाँ पर कि टाइम टेकन इन
सेकेंड 100 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका जो है 100/40, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 25/10 अगर आप करेंगे तो जो 2.5 आर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 200/ टोटल टाइम, तो 2+2.5, तो ये हो जाएगा आपका 200/4.5। अगर यहाँ से आपको डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो जगह 2000/ आपका हो जाएगा 45। किससे 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 9 = 45, 5 4 = आपका हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 400/9। 400 में जरा 9 का भाग दीजिए, 9 4 = 36, 4 बचेगा फिर से 40 हो जाएगा, 9 4 = आपका जो है 36, फिर डेसिमल 4 4 4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर, ये जो है आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ट्रक की जो औसत गति है कितनी आ जाएगी आपकी, 44.4 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाई मिक्सिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ पल्सेस इन द रेशियो 2:3 एंड सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 22 रुपीज पर केजी, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ द कॉस्ट ऑफ द चीपर क्वांटिटी बी 14 रुपीज पर केजी, देन द कॉस्ट पर केजी ऑफ द डियरर क्वांटिटी इज। दालों की दो अलग अलग मात्राओं को 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि सस्ती मात्रा की लागत 14 रुपये प्रति किलोग्राम है तो महंगी मात्रा की प्रति किलोग्राम लागत क्या है। तो अब देखो जरा यहाँ पर जो है आपको जो चीपर जो पल्सेस है उसकी उसका CP आपको दिया गया है, ठीक है ना। CP of cheaper pulses ये आपको दिया गया है जो है 14 रुपीज पर केजी, ठीक है। CP of dearer pulses ये आपको निकालना है, ये आपको पूछा गया है। इसको आपने मान लिया ₹1 पर केजी, कितना मान लिया ₹1 पर केजी। अब देखो जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर इन दोनों को मिला के तैयार किया गया, ठीक है ना, किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया गया, 2:3 के रेशियो में, ठीक है ना। और जो आपका मिक्सचर तैयार किया गया, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, वो आपका 22 रुपीज पर केजी है और इतने रुपए पर केजी में उसको बेचने पे 10% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि CP of the mixture कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि भाई 22 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है और 22 रुपीज में बेचने पर उसको जो है 10% का प्रॉफिट होता है, तो 22 × 100/ हो जाएगा आपका 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 × 22, तो ये हो जाएगा आपका जो मिक्सचर है उसका जो CP हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपीज पर केजी, वो हो जाएगा आपका 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, ये आपका मिक्सचर का जो है क्या है, CP है। तो इसको हम मीन प्राइस भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे एलिगेशन का जो है रूल लगा दीजिए। तो देखिए चीपर जो पल्सेस है, चीपर पल्सेस एंड डियरर पल्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीपर का रेट कितना दिया गया है, 14 रुपीज पर केजी, इसका रेट हमने ए माना है, मीन प्राइस कितना है आपका 20,
तो एक बार मीन प्राइस से आप जो है चीपर के जो है प्राइस को माइनस कर दीजिए, और जो माइनस करेंगे वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक बार डीएरआर से आप मीन प्राइस को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा, इसको जब आप इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस आपका 20। तो ये इनका रेशियो आ गया ए माइनस 20 रेशियो 6, और यहाँ पे जो रेशियो में जिसमें मिक्स किया गया वो आपका 2:3 आ गया। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर हो जाएगा जो है आपका a माइनस 20/6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2/3। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3a माइनस आपका 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12। तो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 12+60, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3a इक्वल्स टू 72। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 72/3, तो ये हो जाएगा आपका 24 रुपीज़ पर केजी। कितना हो जाएगा 24 रुपीज़ पर केजी। तो जो महंगी वाली दाल है उसकी जो CP आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो आपका 24 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई? जो आपका जो सस्ती वाली दाल थी उसकी कीमत आपकी 14 रुपीज़ पर केजी आपको दी गई थी, जो महंगी वाली दाल है उसकी कीमत आपने मान लिया कि 8 रुपीज़ पर केजी है। इनको किस रेशियो में लाया जाता है, 2:3 के रेशियो में लाया जाता है। तो यहाँ से जो है, और हमने इसका क्या निकाल लिया, मिक्सचर का CP निकाल लिया, 20 रुपीज़ आ गया। इसको आप मीन प्राइस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो चीपर का पता है, डीलर का हमने ए मान लिया है 20 है, यहाँ से आपका ये जो रेशियो है वो ए माइनस 20:6 आया, यहाँ पर 2:3 दिया गया था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 रुपीज़ पर केजी। तो जो महंगी दाल है उसकी जो कीमत है वो 24 रुपीज़ पर केजी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अब जो है ये क्वेश्चन आपका पाई चार्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये डायरेक्शन 24 से 26 तक के लिए है, तो स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट शोविंग हाउ ए पर्सन्स मंथली सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट हेड्स। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन प्रश्नों के उत्तर दें जो यह दिखाते हैं कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन विभिन्न मदों में कैसे वितरित किया जाता है। अब देखो ये पाई चार्ट है जहाँ पर जो है वो किसके लिए कितना परसेंट मंथली खर्च करता है वो आपको दिया गया है। देखो जैसे हाउस रेंट पर 30%, क्लॉथ पे 7%, मिसलेनियस पे वो 23%, एंटरटेनमेंट में 15%, पेट्रोल पे 10% और फूड पे जो है खर्च करता है जो है वो है आपका 15%। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि अ पर्सन हुज मंथली सैलरी इज 6,000 रुपीज, हाउ मैनी आइटम्स आर देयर ऑन विच ही हैज टू स्पेंड मोर देन 1,000 रुपीज़ पर मंथ। एक व्यक्ति जिसका मासिक वेतन 6,000 रुपये है, ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिन पर उसे 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक खर्च करना पड़ता है। तो सबका देखिए अलग अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो मंथली सैलरी कितनी है 6,000 रुपीज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फूड पे कितना खर्च करता है वो 15%, फूड पे कितना खर्च करता है तो 15%, तो 6,000 रुपीज़ का वो जो है आप 15% निकालिए। 15% अपॉन 100% का मतलब हो गया अपॉन 100, 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 900। तो फूड पे तो वो 900 रुपीज़ खर्च करता है। इसी प्रकार से जरा हम हाउस रेंट का निकाल लेते हैं कि हाउस रेंट पे कितना खर्च करता है, ठीक है ना, हाउस रेंट पे कितना खर्च करता है। तो आपने कहा हाउस रेंट पे वो 30% खर्च करता है, तो 6,000 का आपका 30% कितना होगा, तो आपने कहा 0, 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1,800, ठीक है। तो भाई हाउस रेंट पे तो वो जो है 1,000 से ज़्यादा खर्च करता है। इसी प्रकार से आप क्लॉथ पे निकाल लीजिए, क्लॉथ पे कितना खर्च करता है, क्लॉथ पे कितना खर्च करता है, तो आपने कहा क्लॉथ पे आपका जो है 7% खर्च करता है, तो 6,000 का 7% कितना होगा, तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि उधर भी हम सॉल्व कर सकें, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका कितना 400 जो है 420। फिर आगे आ जाइए जो है पेट्रोल पे, पेट्रोल पे कितना जो है खर्च करता है, तो आपने कहा पेट्रोल पे खर्च करता है 10%, तो 6000 का आपका 10% कितना होगा, तो आपने कहा अपॉन 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 600 रुपीज। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो हमने फूड का निकाल लिया, हमने हाउस रेंट का निकाल लिया, हमने क्लॉथ का, हमने पेट्रोल का, इंटरटेनमेंट में कितना खर्च करता है देखिए जरा, इंटरटेनमेंट में, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में कितना खर्च करता है, मनोरंजन कितना खर्च करता है, तो आपने कहा 6000 का 15%, 6000 का जो है 15% ये इंटरटेनमेंट में खर्च करता है, अर्थात जो है ये 900 रुपये इंटरटेनमेंट में खर्च कर देता है। अब बचा मिसलेनियस, अब बचा आपका मिसलेनियस, अर्थात सारे के सारे जो बचे खर्चे हैं, ठीक है ना, जो मिला करके हैं उसमें कितना खर्च करता है, उसमें कितना खर्च करता है, तो आपने कहा कि मिसलेनियस में कितना खर्च करता है 23%, तो 6000 का जो है 23% निकालो कितना आएगा, तो आपने कहा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 जीरो आ जाएगा, 6 3 18 बचेगा 1, 6 2 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। तो देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसकी जो है सैलरी 6000 रुपीज है, तो जो है वह 1000 से ज़्यादा कितनी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो दो वस्तुओं पर वह 1000 से ज़्यादा खर्च करता है। देखो एक हाउस रेंट पर, एक तो है हाउस रेंट पे कितना खर्च करता है आपका 1800 रुपीज, और एक मिसलेनियस पे, मिसलेनियस पे कितना खर्च करता है आपका 1380 रुपीज, बाकी सब में जो है वह 1000 से कम खर्च करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, दो वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर वह 1000 से ज़्यादा रुपए खर्च करता है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पाई चार्ट पर बेस्ड है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एनुअल एक्सपेंसेस ऑन हाउस रेंट फॉर सच पर्संस विल बी अप्रोक्सीमेटली, ऐसे व्यक्ति के लिए घर के किराए पर वार्षिक खर्च लगभग कितना है। तो अगर हम बात करें तो मंथली कितना है, मंथली जो है, मंथली 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 हाउस मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस ऑन हाउस रेंट, तो ये हो जाएगा जो है अभी अभी आपने निकाला है कितना देखिए जरा, तो आपने कहा मंथली कितना है आपका 1800, मंथली कितना है आपका 1800 रुपीज जो है वह मंथली उसको जो है हाउस रेंट का देता है। तो ईयरली कितना हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो इसका जो है ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली तो पूछ रहा है एनुअल एक्सपेंसेस, तो ईयरली कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है 1800 × 12 कितना आ जाएगा, तो 0 0 12 8 96 9 आपका कैरी हुआ, 12 1 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 21600 रुपीज। तो भाई मंथली आपका 1800 है और एनुअल उसका हो जाएगा जो है आपका 21600 रुपीज। क्लियर है, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पर आपका बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द पाई चार्ट बाय द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंस ऑन हाउस रेंट इज, हाउस रेंट पर खर्च का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर द्वारा पाई चार्ट के केंद्र में बनाया गया कोण कितना है, 54 डिग्री है, 72 डिग्री है, 90 डिग्री है कि 108 डिग्री है। तो देखो जो आपका हाउस रेंट है, हाउस रेंट इस पूरे सेक्टर का 30% ले रहा है। अच्छा ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा आपका 360 डिग्री का। तो अगर हम बात करें यहां पर कि जो है आपका एंगल
सबटेंडेड सेक्टर इन हाउस रेंट। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका भाई पूरा का पूरा, ये सर्कल है 360 डिग्री का और उसका केवल 30% पार्ट ही तो है हाउस रेंट के पास। तो 30% ऑफ 360 डिग्री यही तो है भाई, 360 डिग्री का 30% निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 360 × 30/100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 3 3 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, तो 108 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो हाउस रेंट के द्वारा जो हाउस रेंट का जो सेक्टर है वो जो है 108 डिग्री का एंगल बनाता है जो है यहाँ पर, क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई कैसे? भाई 30% एरिया ही तो ले रहा है और ये पूरा एरिया कितने एंगल का, ये 360 डिग्री का है और उसका 30% ही तो ले रहा है, तो 30% कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।